हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अभी सोच रहे होगे आप लोग कहाँ पर बैठा हूँ, मैं अभी आ गया हूँ हेयर मिस्ट्री। अच्छा, और ये जो मेरे केश हैं जिनको इंग्लिश में हेयर बोला जाता है, ये अच्छा मैं कटवाने जा रहा हूँ। ऑल तो बहुत दुख हो रहा है कटवाते हुए, शक्ल से लग नहीं रहा होगा। लेकिन सीरियसली बहुत दुख हो रहा है, कटवाना चाहता नहीं हूँ बट कटवाने पड़ेंगे यार। अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, एक ही हेयर स्टाइल कैरी करते करते लगभग 2 साल हो गए हैं। आप देख ही रहोगे 2 साल से मैं कंटिन्यू बाल बढ़ा रहा हूँ, तो अब टाइम आ गया इनको कटवाने का। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो चलो बाल कटवाते हैं। अब मैं क्या हेयर स्टाइल लेने वाला हूँ ये भी थोड़ी देर बाद आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। भाई फाइनली वो दिन आ गया जब मेरे को बाल कटवाने पड़ रहे हैं। एक्चुअली ऐसी कोई मजबूरी नहीं है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा ये सेल को कैरी करते हुए बहुत हंस रहा है, ये पिटे गए मेरे हाथ से। तो जी पूरे गेटअप में आ गया बाल कटाने वाले में, 100% हो गया कि कटवा के जाएंगे। विचार बदल सकते थे? हाँ अभी तक बदल सकते थे, पूरे गेटअप में आ गए। अगर अब विचार बदलेंगे तो भाई मारेगा अलग से, मेरा और टाइम बर्बाद कर दिया। गलत तो नहीं कर रहा भाई? नहीं, गजब बेइज्जती है। नहीं देखा पहले ही कह रहा था, इतने और छोटे। अरे बात कर भाई, पूरे शॉर्ट नहीं हो जाएंगे तुम मशीन से? नहीं कर दो भाई को भी काटते हुए दुख हो रहा है। देखो भाई मशीन ही लगी है। ये इतने छोटे? हाँ ठीक है, इतने ठीक है। एक काम करते हैं, इतने कटवा लेते हैं, ज्यादा लगेंगे कैंची तो अपने हाथ में ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बड़े थोड़ी हो जाएंगे बाद में, छोटे तो हो जाएंगे। लगा थोड़ी देगा, काट ही सकता है। बाल कटवाने के बाद घर वालों का रिएक्शन देखना रहेगा बस। तो भाई लोग फाइनली लुक चेंज हो गई है पूरी। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला, देव मानुष निकला। और भाई भी कह रहा है कि भाई ने दिल पे पहाड़ रखे मेरे बाल काटे, क्योंकि एक बार भाई ने भी बड़े बाल कभी रखे होंगे तो कह रहा मुझे समझ आती है कि कितना दुख होता है बड़े बाल कटवाने में। और बस अब मैंने कटवा लिए तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, उल्टी सीधी बातें मत बोलना कमेंट में। ठीक है तो भाई ये नई लुक बन गई है अब अपनी, नई लुक तो नहीं है खैर, ये ओल्ड लुक है जो पहले थी बाल बढ़ाने से पहले। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते उनके लिए नई लुक है। अच्छा ठीक है, ये जानता है, ये रिव्यूज देने लग रहा बैठ के यहाँ पे। तो भाई नए बंदों के लिए नई लुक है। हाँ नए बंदों के लिए नई लुक है, पुराने बंदों के लिए भी नई लुक है। हाँ क्योंकि वो भी 2 साल से मुझे ऐसे ही देख रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे बाल काटे हैं और कम से कम शायद 1.5 घंटा लगाया भाई ने बाल काटने में, तो एक एक बाल छाट छाट के काटा है भाई। चल बस लाएगा क्या, काम करने दे। कि बस बुरा तो लग रहा है लेकिन कैंची नहीं चल रही थी, 2 बार तो ट्रिमर बंद हो गया था यार बाल काटते काटते। कैंची भी नहीं चल रही थी, 2 बार ट्रिमर बंद हो गया, फिर भाई दूसरा ट्रिमर ले गया, फिर काटे। चलो कोई बात नहीं, ट्रिमर भी नहीं चाह रहा था कि बाल कटे और भाई भी नहीं चाह रहा था, बड़े ही प्यार से सहज सहज के एक एक बाल काटा भाई ने। और भाई देखो यहाँ पर इन्हें भी अफसोस हो रहा है, ये भी पूछ रहे हैं क्यों छोटे करा ली। लेकिन चेंज करते रहना चाहिए, इसलिए मैंने कहा चलो करवा लेते हैं, 1.5 साल से कैरी कर रहे थे बड़े बाल। चलो ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी। ओके बाय, आ जा। सबको ही अफसोस हो रहा है भाई, सबको ही अफसोस हो रहा है मेरे बाल कटने का, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। भाई को भी हो रहा है कि भाई क्यों ही कटवा लिए। लेकिन घर पे आ चुके हैं और ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के सबका रिएक्शन लेते हैं कि सबको कैसा लगा मेरा न्यू हेयर कट। और इतने टाइम बाद उन्होंने मुझे बिना बालों के देख रहे हैं, मतलब लगभग बिना बालों के ही हो गया, तो कैसा लग रहा है?
सबको पता इक्वल तो करा क्या था सारे स्वैग ये कैसे केस सज्जा करा कर आया जो शक्ल दिखा पापा की ये क्या अरे अरे गेट खोलना गेट खोलना ये क्या करवा के आ गया स्वागत नहीं करोगे आप हमारा अरे आओ जल्दी जल्दी सरप्राइज खत्म हो जाएगा इधर आओ अरे आ तो सही तू भी आ बेटा तू भी आ अरे जल्दी आओ पसंद नहीं और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है अरे तेरे क्या मुँह चढ़ गया मुँह सवार हो गया क्या तेरे पहले भी बहन सही लग रहा है देखो ये एक सही लड़की है बिल्कुल कह रहे पहले भी अच्छा लग रहा था जब बड़े बाल थे